बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आरक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। डिप्टी सीएम के आवास का घेराव कर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 69,000 शिक्षक भर्ती की नई सूची बनाकर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किए जाने की मांग की। मौके पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों को हटाए जाने का प्रयास किया गया तो शिक्षक अभ्यर्थियों से उनकी तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस पीएसी बल द्वारा सभी को खींच खींच कर बसों में भरकर इको गार्डन भेजा गया। इस दौरान मोहम्मद इरशाद नाम के एक अभ्यर्थी को अटैक आ गया, जिससे हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन करते हुए आरक्षित वर्ग के 6800 सूची के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। कि हम लोगों की जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, उसमें अभी लिस्ट को रिवाइज करें। सर ये बताइए, 3 घंटे का जो समय होता है कंप्यूटर के जमाने में, ये 30 दिन लगा की बात करते हैं, 3 महीने की बात करते हैं, ये कैसा न्याय है? सबको पता है कि हमारा प्रदर्शन क्या है और हमारी मांगे क्या है। जब माननीय न्यायालय ने हमें कह दिया कि इन बच्चों की लिस्ट जारी की जाए, तो इतने लेट लतीफ, इतने हिलावाली क्यों? हमारी ये मांगे हैं कि सरकार जल्दी से हमारी नियुक्ति दे, पहले से ही हम 4 साल लेट हो चुके हैं। बस सरकार तुम्हारी है, हाथ जोड़ सरबत निवेदन है कि जल्दी जल्दी हमें नियुक्ति दे और हमें अपने विद्यालय पहुँचाए।